के मामले से जुड़ी एक खबर है, अपडेट सामने आ रहा है। क्लब की अनियमितताओं की जांच एसओजी करेगी। विधानसभा में यूडीएच मंत्री खर्रा ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की प्रभावी पैरवी भी की जाएगी। दिल्ली गोल्फ क्लब की तर्ज पर इसका संचालन होगा। जेडीए को क्लब के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। एग्जीक्यूटिव और प्रबंधन समिति की अनियमितताओं की जांच भी की जाएगी। पूरे मामले की जांच एसओजी से करने का सदन में बड़ा ऐलान किया है खर्रा ने। मामले में सारे नाम सामने आ जाएंगे। जावर सिंह खर्रा ने ये बयान भी दिए हैं और कहा है कि जिसने भी गड़बड़ी की सब पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। और नंबर तीन, इसमें जितनी भी अनियमितताएं हुई हैं, विधान के विरुद्ध जाकर एग्जीक्यूटिव कमेटी ने और आपके प्रबंध समिति ने, मैनेजमेंट कमेटी ने जो भी गड़बड़ झाला किया है, आर्थिक अराजकता की है, आर्थिक अनियमितता की है, मैं इस सब की जांच एसओजी से करवाने की घोषणा करता हूं। और अब बात बारिश से तबाही की करेंगे। भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हालात लगातार खराब होते चले जा रहे हैं। रत्नागिरी के दापोली के खेड़ इलाके में जमीन खिसकने का वीडियो सामने आया। हालांकि अभी तक इस हादसे में किसी के हताहत जमीन का एक हिस्सा खिसक रहा है और तेजी के साथ मलबे के रूप में आगे बढ़ रहा है। अगर इस दौरान वहां पर कोई मौजूद होता तो जनहानि भी हो सकती थी, लेकिन फिलहाल जनहानि को लेकर कोई सूचना नहीं है। लगातार महाराष्ट्र के रत्नागिरी से इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा और ऐसे में कुदरत कहर बरपा रहा है। उधर उत्तराखंड के कोटद्वार में बारिश की वजह से पुल बह गया, जिसके बाद लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वैकल्पिक रास्ता बह जाने की वजह से लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार कर रहे हैं। चाहे स्कूल जा रहे बच्चे हों या फिर रोजमर्रा के काम में आने जाने वाले लोग, सभी जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। तो उफनती नदी बहाव कभी भी तेज हो सकता है और ऐसे में चूंकि रास्ता खत्म हो चुका है, वो पुल जिसके जरिए वो ये रास्ता पार करते थे वो टूट चुका है। ऐसे में सभी के पास यही रास्ता बचा है कि वो इस नदी को पार करते हुए अपना काम करें। और महाराष्ट्र के रत्नागिरी से खबर है, जहां पर पानी के नदी में तेज बहाव में एक आदमी फंस गया। भारी बारिश की वजह से रत्नागिरी में नदियां उफान पर हैं। बताया जा रहा है कि यह शख्स नदी किनारे किसी काम से गया था और उसी दौरान अचानक से नदी का पानी बढ़ गया और वो उसकी चपेट में आ गया। हालांकि उसे बचाने के लिए कुछ और लोग भी वहां पहुंच गए थे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वो पानी की तेज रफ्तार में बह गया। तो वीडियो दिल दहला देने वाला है और सावधान करने वाला भी। मुसीबत में जान डालकर नदी पार करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा। ये तस्वीर देखिए, जहां एक शख्स नदी पार करने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान तेज बहाव में वो बह गया। हालांकि कुछ लोग वहां पर जो मौजूद थे उन्होंने बचाने की कोशिश जरूर की, लेकिन बहाव इतना तेज था कि वो नदी के तेज बहाव में बहता चला गया और उसे बचाना मुश्किल हो गया। तो आसमानी प्रहार लगातार लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। तेज बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जहां पर कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों से खौफनाक, डराने वाली और दहलाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। सन्न कर देने वाला ये वीडियो देखिए, जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी से सामने आया। इससे पहले भी महाराष्ट्र के रत्नागिरी से वो तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां पर जमीन खिसक रही थी, तो ये दूसरी तस्वीर भी बेहद खौफनाक है, जहां पर एक शख्स पानी के तेज बहाव में बह जाता है। बचाने की लाख कोशिशें की जाती हैं, जो शख्स वहां पर मौजूद रहते हैं लेकिन बचा नहीं पाते।
उधर महाराष्ट्र के नासिक से खबर है, जहां पर वन विभाग में अंजनेरी में फंसे 10 पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया। कल हुई भारी बारिश के बाद वो सभी पर्यटक फंस गए थे, जिसके बाद मौसम साफ होने के बाद वन विभाग की टीम ने पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला। वन विभाग की टीम ने मानव श्रृंखला बनाकर सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो कहते हैं एकता में बल है। वो तस्वीर देखिए, अगर एक शख्स वहां से गुजरता तो शायद वो तेज बहाव में बह जाता, लेकिन यहां पर मानव श्रृंखला बनाकर वन विभाग की ओर से सभी 10 पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि ये पर्यटक मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन जैसे ही वहां पर वो पहुंचे बहाव तेज हुआ और उसके बाद वो सभी फंस गए। रुक करेंगे अगली खबर का। कश्मीर में पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई की हर साजिश अब बेनकाब हो रही है। जैसे ही आईएसआई साजिश की प्लानिंग करती है, उसकी भनक भारतीय सुरक्षा बलों को लग जाती है और भारतीय सुरक्षा बल मिनटों में आईएसआई की सालों की मेहनत या कहे कि साजिश को बर्बाद कर देती है। आईएसआई की एक ऐसी ही साजिश का खुलासा एक बार फिर हुआ है। इनपुट के आधार पर सेना भी लगातार एक्टिव मोड पर है। ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर इन आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए महा ऑपरेशन चलाया हुआ है, जिसमें जल्दी ही सफलता मिल सकती है। इस बीच पड़ोसी पाकिस्तान की दूसरी साजिश भी सामने आई है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला पाकिस्तान आतंकी संगठनों के नाम बदलकर FATF के लिस्ट से बाहर रहना चाहता है और घाटी में आतंकी घटनाओं को भी अंजाम देना चाहता है। इसके पीछे वजह है FATF, जिसने 4 साल बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर किया है। खास बात यह है कि जिस भी आतंकी संगठन पर भारत सरकार प्रतिबंध लगाती है, वो उस संगठन के नए नामकरण के साथ एक्टिव हो जाता है। घाटी में अभी एक नया गुट आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ले रहा है, वो है कश्मीर टाइगर। सूत्रों की माने तो जिम्मेदारी लेने वाला ये नया गुट है, लेकिन असल में वो जैश का ही नया चेहरा है, जो कि नाम बदलकर हमलों की जिम्मेदारी ले रहा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक लश्कर और उसका शैडो संगठन TRF नॉर्थ पीर पंजाल रेंज यानी कि कश्मीर घाटी में एक्टिव है, जबकि जैश और उसका शैडो संगठन PAFF जम्मू के इलाके में सक्रिय है। जम्मू में पिछले 2 आतंकी हमले में ना तो TRF ने जिम्मेदारी ली और ना ही PAFF ने। जिम्मेदारी लेने वाला संगठन है कश्मीर टाइगर। जम्मू के यात्री बस पर हमले के बाद से यह अस्तित्व में आना शुरू हुआ। वैसे तो कश्मीर में छोटे बड़े दर्जनों आतंकी संगठन एक्टिव हैं, लेकिन पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले 3 बड़े आतंकी संगठन हैं लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, जिनकी मदद के लिए बाकायदा ISI की तरफ से फंड दिया जाता है, जो कि दशकों से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का मुख्य जड़ बना हुआ है। FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए पाकिस्तान ने इन आतंकी संगठनों के मुखौटे बदले और आतंकी घटनाओं को जारी रखा और सामने आए नए 2 गुट TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट और PAFF यानी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू हमलों से ध्यान भटकाने और इन घटनाओं से पल्ला झाड़ने की पाकिस्तान की एक नई कोशिश है। भारत सरकार ने इसी तरह के 4 शैडो संगठनों को साल 2023 में UAPA के तहत आतंकी संगठन करार दिया था। ये संगठन जिसमें द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी PAFF, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स JKGF और खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF शामिल है। TRF लश्कर का एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 2019 में कश्मीर में एक्टिव हुआ था। ये कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हमले, निर्दोष नागरिकों, प्रतिबंधित आतंकी संगठनों को हथियार मुहैया कराने, आतंकियों की भर्ती, ड्रग और हथियारों की LOC पार से स्मगलिंग करने में लिप्त है। PAFF जैश का शैडो ऑर्गेनाइजेशन है, जो 2019 में अस्तित्व में आया था। ये युवाओं को आतंकी संगठन में भर्ती के लिए बरगलाने, हथियार और विस्फोटक की ट्रेनिंग के अलावा सुरक्षा बलों, राजनीतिक लीडर, सरकारी कर्मचारियों को धमकी और हमले करने में शामिल है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स 2020 में एक्टिव हुआ। इस संगठन ने जैश, लश्कर, तहरीकुल मुजाहिदीन, हरकत उल जिहाद इस्लामी जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के कैडर से तैयार किया गया था। इसका काम भी बाकी संगठनों की तरह ही घुसपैठ, हथियारों और ड्रग्स की स्मगलिंग, सुरक्षा बलों पर हमले और धमकी देने में शामिल है।
गृह मंत्रालय की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक मार्च 2023 तक कुल 54 आतंकी और 44 आतंकी संगठनों को UAPA के तहत लिस्ट में शामिल किया गया था। FATF की ब्लैक लिस्ट में जाने से बचने और ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए पाकिस्तान ने समय समय पर कई नए शैडो ऑर्गेनाइजेशन बनाए ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को साबित कर सके और कश्मीर टाइगर नाम का संगठन उसी कड़ी का हिस्सा है। उधर पिथौरागढ़ में दो बाइक सवार युवकों की पिटाई का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि शहर में एचोली के पास दो बाइक सवार गुजर रहे थे, लेकिन तभी युवकों के एक झुंड ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें दोनों युवकों को गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया कि आखिर बाइक सवारों ने हमला क्यों किया। ये तस्वीर देखिए, दो बाइक सवार रास्ते से गुजर रहे थे, तभी वहां पर कई लोग एकाएक आते हैं और उनके साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। ये जांच का विषय है कि यह मारपीट आखिर क्यों की जाती है, लेकिन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुरानी रंजिश का मामला हो और इसी को लेकर ये मारपीट की गई हो। एक पत्नी ने अपने पति से लाल रंग की लिपस्टिक मंगवाई, लेकिन पति गलती से ब्राउन कलर की लिपस्टिक ले आया। उसके बाद जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। इस रिपोर्ट में देखिए। लिपस्टिक का रंग बन गया पति पत्नी के बीच महासंग्राम की वजह। लाल की जगह पति ब्राउन लिपस्टिक ले आया और पत्नी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। आगरा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां एक पत्नी ने अपने पति से उसके लिए लाल रंग की लिपस्टिक लाने को कहा था। पति ने पत्नी का कहा माना और उसके लिए लिपस्टिक ले भी आया, लेकिन जैसे ही पत्नी ने लिपस्टिक देखी वो गुस्सा हो गई, क्योंकि पति गलती से लाल की जगह ब्राउन रंग की लिपस्टिक ले आया था। पत्नी पति से लड़ाई करने लगी। वो ऐसी नाराज हुई कि उसने अपने भाई को फोन करके बुला लिया। वो अपने भाई के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने भी पहुंच गई। पत्नी ने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के आरोप भी लगाए और कहा कि उसका पति उसके लिए लाल रंग की लिपस्टिक नहीं लाया। पति का कहना ये था कि सर, मेरी वाइफ ने मुझसे रेड कलर की एक लिपस्टिक मंगवाई थी, तो मैं गलती से ब्राउन कलर की लेके आ गया था। उसको लेके इसने झगड़ा किया मेरे से और मैंने इसको बोला भी था कि मैं दूसरे दिन दूसरी रेड कलर की लेके आ जाऊँगा। फिर भी इसने मेरे से झगड़ा किया कि 50 रुपये की लिपस्टिक थी, मैंने इसको भी यूज कर लिया और उसको भी कर ले, तो फिर भी इसने झगड़ा किया, बोले कि तुमने पैसा खर्च किया है। पुलिस ने मामला परामर्श केंद्र में ट्रांसफर कर दिया। दोनों पति पत्नी को परामर्श केंद्र ले जाया गया, जहां काउंसलर्स ने दोनों को कई घंटे तक समझाया, जिसके बाद पत्नी का गुस्सा शांत हुआ। इस लड़की की 2023 में ही शादी हुई थी। वो मथुरा की रहने वाली है और उसका पति आगरा में रहता है। पहले वो पति को छोड़कर अपने मायके मथुरा चली गई थी, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें आगरा में परामर्श केंद्र जाने को कहा तो वापस आगरा आई। फिलहाल दोनों के बीच मामला शांत हो चुका है। जिस तरह लिपस्टिक के रंग को लेकर इस पति पत्नी के बीच मामला पुलिस तक जा पहुंचा, उसे सुनकर सब हैरान हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि लिपस्टिक के रंग के चलते मामला इतना आगे बढ़ सकता है। अब सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि आगे इस पति पत्नी के बीच सब ठीक रहे। कामिर कुरैशी, न्यूज 18, आगरा। उत्तर काशी में कावड़ यात्री गंगोत्री धाम जल भरने को पहुंचने लगे हैं, लेकिन गंगोत्री धाम तक जगह जगह बने लैंडस्लाइड जोन बारिश में कावड़ यात्रियों के लिए मुसीबत बन सकते हैं। उसी पर है ये रिपोर्ट। उत्तर काशी में बड़ी तादाद में कांवड़ यात्री गंगोत्री धाम में जल भरने पहुंचने लगे हैं, लेकिन बरसात के मौसम में गंगोत्री हाईवे पर जगह जगह बने भूस्खलन जोन कांवड़ यात्रियों के लिए इस बार मुसीबत भरे रह सकते हैं। आने वाले दिनों में कांवड़ और डाक कांवड़ बड़ी तादाद में गंगोत्री धाम की ओर रुख करेंगे। वहीं दूसरी ओर गोमुख मार्ग कई जगह क्षतिग्रस्त है, इसीलिए खतरे को देखते हुए गंगोत्री नेशनल पार्क प्रशासन ने गंगोत्री धाम समेत कनखू बैरियर पर मार्ग बंद होने के बोर्ड लगा दिए हैं। एक इश्यू इस बार आया है, क्योंकि
गंगोत्री से गौमुख वाला जो हमारी फॉरेस्ट का ट्रैक है उसमें तीन चार उसमें लकड़ी की पुलियों के तहत तो गंगोत्री पहुंचा जाता है। तो तीन पुलियां इस बार बह गई थी, बीच में पानी पड़ गया था, तो अब वो वैकल्पिक रूप से पुलियां तो बन गई है लेकिन पानी का जो अभी वॉल्यूम है वो कम नहीं हुआ है। जैसे पानी का वॉल्यूम कम हो जाता है तो फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गंगोत्री नेशनल पार्क वाले वो पुलियों को फिर वहां पर पुनर्स्थापित करेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने विशेष तैयारी की हुई है। चिन्याली सोन नगुण बैरियर से लेकर गंगोत्री धाम तक कांवड़ यात्रा को लेकर पांच जोन में बांटा गया है। मोबाइल टीम्स जो है हमारी गाड़ी के साथ और बाइक के साथ जो तैनात रहेंगी और जो जो कांवड़ी आ रहे हैं उनको जो मौसम के पूर्वानुमान जो है उसको उनको बताती रहेगी। मेरी कांवड़ी से ये भी निवेदन है, हाथ जोड़े निवेदन है कि किसी भी तरह के नशे से जो है नशा और सामग्री इस तरह की सामग्री से दूर रहें। उत्तरकाशी में धीरे धीरे और अब एक नजर डालेंगे पांच